हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहां पर कराऊंगा जनरल मैथमेटिक यानी सामान्य गणित, जो कि बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों, आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चनों को आप कापी निकाल लेंगे और आराम से क्वेश्चनों को नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, अ सम ऑफ मनी लेंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹9,920 आफ्टर 2 ईयर्स एंड टू ₹12,800 आफ्टर 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी आपसे पूछा गया है, एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में ₹9,920 तथा 5 वर्ष में ₹12,800 हो जाता है, तो धन की दर क्या होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे दोस्तों, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो टोटल अमाउंट का होता है, P प्लस PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ पर देखिए, जो पहला फार्मूला है साधारण ब्याज का है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, और सेकंड वाला मिश्र धन का है यानी टोटल अमाउंट का है, मूलधन धन मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो यहाँ पर आप दोनों का इस्तेमाल यहाँ करेंगे क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया है 2 वर्ष का और 5 वर्ष का टोटल अमाउंट। तो देखिए, पहले आप लेंगे 2 वर्ष के लिए पी प्लस पी आर टी की जगह पर 2 रखेंगे अपॉन 100 इक्वल टू 9920। बाद में आप लेंगे 5 ईयर का पी आर टी की जगह पर आप यहाँ 5 रखेंगे 5 वर्ष के लिए डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 12800। दोनों इक्वेशनों को आप यदि 1 और 2 मान लें और दोनों को यदि घटा दें, सबस्ट्रैक्ट कर दें, तो PCB कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। PR बट्टा 100 कॉमन है और 5 में से 2 घटा देंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे बराबर। यदि आप यहाँ पर राइट वालों को घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने के बाद मिलेगा आपको 2880। अब यहाँ पर देखिए, PR इंटू 3 डिवाइड बाई 100 मिलता है आपको बराबर 2880। यदि आप इस फॉर्मूले पर गौर करें तो यहाँ पर आपको दिखता है PRT की जगह पर 3 है बट्टा 100। ये SI का फॉर्मूला है दोस्तों, जहाँ पर समय जो दिया गया है 3 वर्ष है, यानी 3 वर्ष का आपके पास में साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 वर्ष का पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा, 3 ईयर का यदि आपके पास में इतना है तो 1 ईयर का जो SI होगा आप डिवाइड कर देंगे 2880 को 3 से, तो डिवाइड करने पर आपको मिलता है ₹960। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 2 वर्ष और 5 वर्ष का दिया है, तो आप क्या निकाल लेंगे, 2 वर्ष पर निकाल लेंगे। 2 वर्ष पर जो SI होगा दोस्तों, ये होगा 960 इंटू 2 कर देंगे तो आपको मिलेगा ₹1920। अब देखिए, आपके पास में 2 ईयर का SI मालूम हो गया आपको, और 2 ईयर का टोटल अमाउंट भी आपको मालूम है ₹9,920। तो क्या कर लेंगे आप, आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको दर निकालनी होगी तो इससे पहले आपको मूलधन को निकालना पड़ता है, यानी कि P को आपको फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों आप, जो मूलधन बराबर होता है टोटल अमाउंट माइनस SI होता है, तो टोटल अमाउंट आपके पास में 9920 है माइनस SI करेंगे, SI आपके पास में यहाँ पर 2 ईयर्स का कितना है 1920 है। यदि आप इनको सबस्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो आपको मिलता है ₹8,000, यानी जो मूलधन है वो ₹8,000 आपके पास में आ गया। अब आप कुछ भी नहीं करना है, आपको SI का फॉर्मूला लेंगे PRT डिवाइड बाय 100। यदि आप 1 वर्ष का ब्याज लेते हैं तो आपको 960 यहाँ करना पड़ेगा, और समय को आपको T की जगह पर 1 करना पड़ेगा, और मूलधन आपने निकाला ही है ₹8,000। आप इक्वेशन को हल करेंगे तो R बराबर आपको मिलता है 960 डिवाइड बाई 80, और काटने पर आपको मिलेगा 12,96, यानी कि 12%, यानी 12% दोस्तों रेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹1,324 द सम इज। यानी आपसे पूछा गया है, किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसकी दर 10% वार्षिक है ₹1,324 दिया गया है, तो धन क्या होगा आपको पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है मूलधन क्या होगा।
अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार के हमारे इंटरेस्ट मेनली होते हैं, जिनमें से एसआई पहले आपने देखा, यह आपका सीआई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि आप सीआई का फॉर्मूला देखें तो सीआई बराबर होता है पी 1+R/100, एन होता है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पर आप यदि ब्याज को निकालते हैं तो यहाँ माइनस पी कर देते हैं, यानी टोटल अमाउंट में से आप माइनस पी कर देंगे तो आपको ब्याज निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, जो ये ब्याज है ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ये ब्याज दिया गया है ना कि टोटल अमाउंट। तो ब्याज निकालने के लिए आप करते हैं, टोटल अमाउंट में से जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो आप घटा देंगे पी 1+R/100 एन बराबर जो आपको दिया गया है 1324 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पी को बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस, अंदर यहाँ पर हल कर देंगे दोस्तों 1+, दर आपको क्या दी गई है 10% दी गई है, वार्षिक है, चूंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान देना है आपको, कंपाउंड में दर आपको वार्षिक दी गई होगी, तो एन बराबर 3 वर्ष में कितनी बार लगेगा दोस्तों, 3 ही बार लगेगा, यानी एन बराबर यहाँ पर टी हो जाएगा। यदि आपकी छमाही लगती है और 3 वर्ष में यदि आपको निकालना है तो 3 वर्ष में छमाही के आधार पर 6 बार लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ब्याज कौन से वाले रेट से लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एन बराबर 3 रखना है और बराबर कर देना है 1324। आप इसको हल करेंगे पी 1 माइनस, इनको काटेंगे दोस्तों तो 11/10³ आ जाएगा =1324। यहाँ देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, पी अंदर हल करेंगे आप 1 माइनस, 11 × 11 × 11 करेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, 3 बार करने में 1331 मिलता है, डिवाइड बाय 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो एक के पीछे 3 जीरो लगा देंगे और बराबर है आपका 1324। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते रहेंगे और जो अनावश्यक है उसको मिटाते रहेंगे ताकि हमें जगह मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए पी और ब्रैकेट में आपके पास में है, देखिए भिन्न आ गई 1 माइनस इतना बट इतना बराबर इतना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लॉसर ले लेंगे 1000, तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1000 - 1331 डिवाइड बाई 100 = 1324। यहाँ पर दोस्तों आपका नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना था, जो आपने घटाना था, जो आपका ब्याज है, ब्याज ब्याज के लिए आप हमेशा क्या करेंगे पी 1+R/100 n में से पी को घटाएंगे। यदि आप पी से इसको घटा देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, बराबर इतना हो गया। तो पी ब्रैकेट में इनको हल करेंगे तो आपको 331 / 1000 मिलता है बराबर 1324। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको पक्षांतर कर देंगे, पी बराबर 1324 × 1000 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 331, यहाँ भाग देंगे दोस्तों तो ये 4 बार भाग जाता है, तो 4 × 1000 करेंगे तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4000 रुपये दोस्तों मूल रूप से होंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए इज 150% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ 2b + 3c - 4a इज, यानी आपसे पूछा गया है, आपको दिया गया है दोस्तों जो a है b का 150% है, तो यहां से आप निकालेंगे a को b के टर्म में तो क्या निकल के आता है, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 * 3 = 15/2, यानी कि ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड वाला आपको दिया गया है b जो है c का 40% है, तो आप यहां पर b को c के टर्म में निकालेंगे तो यहां पर आपको मिलता है 2c/5, तो b बराबर 2c/5 इक्वेशन नंबर 2 आ गया। वैसे ही दोस्तों आप a को c के टर्म में निकालेंगे तो क्या करेंगे, a = 3b/2 है, b की जगह पर आप रख सकते हैं यहाँ पे 3/2, b की जगह पर आप c के टर्म वाली वैल्यू को रखेंगे 2c/5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a = आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे c आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3, तो आपने यहाँ पर अलग अलग टर्म में निकाल लिए। अब इजीली दोस्तों यहाँ पर आप इक्वेशन को हल कर देंगे, आपको दिया गया है a + b + c = 20, तो यहाँ पर देखिए यदि आप रखते हैं a + b + c = 20, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे आप, a की जगह पर दोस्तों आप सारी वैल्यूज को c के टर्म में लाएंगे, तो a की जगह रख देंगे आप 3/5
सी प्लस बी को भी आप सी के टर्म में ले आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2c/5, और यहाँ पर आप सी को नहीं छेड़ेंगे, सी ही रखेंगे, 20 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर हल कर देंगे आप सी के लिए, तो 2c/5c/5=20, और यहाँ पर जोड़ने पर आपको मिलता है 3 × 2 = 5, 5 × 10 c = 20 × 5 करेंगे दोस्तों 100 मिलेगा, तो c बराबर आपको 10 मिलता है। तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास में c। अब आप c का मान तो रख सकते हैं, तो c का मान यदि आप b पर रखेंगे तो आपको b मिल जाएगा, b बराबर 2c/5 है, यानी b बराबर आपको मिलेगा 2 × 10/5, यानी कि आपको मिलता है 4। वैसे आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आपको c के टर्म में मालूम है 3/5, और यहाँ पर c 10 हो जाएगा, 5 × 10 = 3 × 6। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई, इनके आधार पे दोस्तों इजीली आप निकाल लेंगे, a बराबर है ये आपका, b बराबर है, c बराबर 10 है, तो इनके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 2b और प्लस 3c - 4a = क्या होगा, 2 × b की जगह 4 रखेंगे, धन 3 × c की जगह 10 रखेंगे, -4 × a की जगह पर 6 रखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 4 × 8 धन 10 × 3 = 30 -6 × 24 = 24। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 + 6 मिलता है, तो ये आपको मिलता है 14, तो 14 यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 dozen नोटबुक्स कोटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट, हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी बाउट फॉर 75। यानी आपसे पूछा गया है एक दर्जन नोटबुकों का मूल्य ₹125 लिखा गया है जिसमें 20% की छूट है, तो ₹75 में कितनी नोटबुकें ली जाएंगी आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला आपको दिया है 1 dozen यानी कि 12 नोटबुक का मूल्य, नोटबुक्स का जो प्रिंटेड प्राइस है ₹125 है, जिस पर यदि आप 20% का तो 125 में 20% का डिस्काउंट करने पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 5420, यानी आपको मिलता है ₹100। तो आपको 12 जो पुस्तकें हैं वो कितने की पड़ेंगी, ₹100 की, तो 1 notebook कितने की पड़ेगी दोस्तों, 1 notebook का प्राइस होगा 100/12। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ₹75 हैं, यानी ₹75 ही हैं। यदि आपसे पूछा गया हो कि ₹75 में कितनी बुकें खरीद पाएंगे, तो आप टोटल अमाउंट करेंगे डिवाइड बाई एक बुक का अमाउंट आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 1 book का जो प्राइस है 100/12 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे 75 × 12 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आप भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 25 × 75, 25 × 100, 4 × 12, 3 × 9, यानी 9 पुस्तकें आप ₹75 में खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाई 8, 15, 16, 21 and 5। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि 8, 15, 16, 21 और 5 से 5-digit का नंबर होगा, यानी 5 अंकों की संख्या होगी जो कि बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और इन सब के द्वारा दोस्तों पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहला काम करेंगे दोस्तों इन सब का LCM निकाल लेंगे, क्योंकि LCM का मल्टीपल ही होगा जो कि इन सब से गुणा होगा, विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, पहले आप इनका LCM निकालिए, 2 से भाग देंगे तो आपका 4, 15, 8, 21, 5, फिर से आप 2 से देंगे, 2, 15, 4, 21, 5, फिर से आप 2 से देंगे, 1, 15, 2, 21, 5, फिर से आप 2 से देंगे, 1, 15, 1, 21, 5, अब देंगे आप 5 से, 1, 3, 1, 21, 1, फिर से आप देंगे 3 से, 1, 1, 1, 7, 1, फिर से आप दे देंगे 7 से, 1, 1, 1, 1, 1। अब इनको आप गुणा कर देंगे दोस्तों, तो इनको गुणा करने पर जो आएगा वो इनका LCM होगा, 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 5 = 80, 80 × 2 = 240 हो जाएगा, 240 × 7 कर देंगे तो 0, 7 × 28, 7 × 14, 15, 16, यानी कि 1680 यहाँ पे आपके पास में लॉस आ गया इन सब का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बड़े से बड़ा नंबर होगा जिस पे
इन सब की संख्याओं का भाग जाएगा तो वो इसी का मल्टीपल होगा। मल्टीपल कहने का मतलब है इसी के पहाड़े में दोस्तों आना चाहिए, यानी कि इसी की टेबल पर आना चाहिए। तो आप इसको देखिए अलग अलग नंबर से गुणा करके देख लेंगे कि कहाँ पर ये छः अंक हो जा रहे हैं। तो आप जहाँ पर छः अंक हो जाएंगे उससे ठीक पहले वाली संख्या को लेंगे तो वही संख्या आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका तो आपके पास में ये है कि आप इन सबको भाग दे दें। इस नंबर से यदि आप भाग देंगे तो जिस पर भी पूरी बार भाग चला जाएगा वही आपका होगा। या फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, आप चेक कर लेंगे कि पहले आप 10 से गुणा करेंगे, 20 से करेंगे, 30, 50 से करेंगे, ऐसे आप 60 से करेंगे तो आप देखेंगे कि 60 से गुणा करने पे ये आपका 6 अंक का हो जा रहा है, लेकिन आपको तो 5 अंक का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप 60 से नीचे आएंगे तो आप 59 से गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करने पर आप पाएंगे दोस्तों आपको मिलता है 99120, यानी कि आपको यहाँ पर 5 अंकों की संख्या मिलती है जो कि बड़ी से बड़ी है और इन सब के द्वारा पूरी तरह से विभाजित है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको देखिए सी वाला दिया गया है 99120, तो यही दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है काम को करने के लिए। और फिर आपको दिया गया है ए टेक्स 24 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 24 दिन कम लेता है किसी काम को पूरा करने में। इफ़ दे वर्क टुगेदर, यानी दोनों साथ में काम करें, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी काम पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको दिया गया है ए जो है 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी कि कहने का मतलब है यदि बी दोस्तों किसी काम को बी डेज में करता है तो ए इसी काम को बी बट्टा 3 डेज में कर लेगा। और यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन आपको दी गई है, जो ए है वो बी से किसी काम को पूरा करने में 24 दिन कम लेता है, यानी बी अगर यहाँ पे बी डेज लेता है तो ए जो होगा दोस्तों बी माइनस 24 दिनों को लेगा, जो कि हम पहले मान चुके हैं ये बी बट्टा 3 के बराबर होगा। तो इसी वाली इक्वेशन को आप हल कर देंगे तो बी बट्टा 3 को आप यहाँ गुणा कर देंगे दोस्तों क्रॉस में, तो बी यहाँ 3 दोनों से गुणा कर देगा, बी माइनस 24 से गुणा कर देगा, तो बी बराबर 3b माइनस 24 यहाँ क्या होता है 72, 72। तो यहाँ आप हल करेंगे इक्वेशन को 2b बराबर आपको मिलता है, तो b बराबर हो जाएगा दोस्तों 36 डेज, यानी कि 36 दिनों में b कार्य को पूरा करेगा। अगर b 36 डेज लेता है तो a कितने लेगा दोस्तों, 36 से 24 दिन कम कर देंगे तो 12 डेज लेगा। अब यहाँ पे देखिए यदि दोनों कार्य को करते हैं साथ में, तो दोनों कार्य को साथ में करेंगे तो ए बी बट्टा ए धन बी में बी दिनों में काम को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे ए की जगह पर 12 डेज गुणा बी की जगह पर 36 डिवाइड बाई 12 प्लस 36 बराबर 12 इंटू 36 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 3 अंदर आएगा तो 12 से 12 कट गया, और 36 बाई 4 आता है जिनको काटने पे आपको 9 मिलता है, यानी दोनों मिलने के बाद में इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज 3.46 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिया गया है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी बाहें समान होंगी। यदि मान लीजिए एक ए है तो सारी की सारी ए होंगी। इसकी हाइट आपको दी गई है h बराबर गिवन है 3.46 सेंटीमीटर। तो आपको पैरामीटर बताना है। पैरामीटर कहने का मतलब है दोस्तों परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप होती है, यानी कि आप तीनों साइडों को जोड़ देंगे तो आपको 3a मिलता है, यही पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको a का मान पता होगा तो आराम से आप निकाल लेंगे पैरामीटर क्या होगा ट्रायंगल का। तो पहला काम आपका है कि आपको a को निकालना है। आपको दिया गया है हाइट दोस्तों, तो यहाँ से यदि आप हाइट को निकालेंगे a के टर्म में तो क्या निकलेगी, यदि आप पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करें, ये वाली साइड a है, ये वाली साइड h है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो ये आपकी हाफ a हो जाएगी।
तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप पाइथागोरस थ्योरम को लगाएं तो आपको मिलता है ए स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस ए बट्टा दो का स्क्वायर, यानी यहाँ से मिलता है एच का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बट्टा चार, यानी कि थ्री ए स्क्वायर बट्टा चार। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे आप थ्री ए स्क्वायर बट्टा फोर का, तो ये आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिलता है रूट थ्री। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आने पर ए हो जाएगा और चार रूट के बाहर आने पर दो हो जाएगा। तो ये एच होती है, आप ध्यान देंगे इसको नोट कर लेंगे। यदि आपको याद होगा तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे एच बराबर जो कि दिया गया है 3.46 बराबर रूट तीन ए बट्टा दो। यहाँ से आप हल कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर आपको मिलता है 3.46 इंटू टू डिवाइड बाई रूट थ्री। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है जहाँ पे रूट थ्री है आप इसके स्थान पे क्या रखेंगे 1.73 रख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको रखेंगे दोस्तों तो आपको ए का मान मिल जाएगा। आप इसको काटते हैं तो आपको चार मिलता है यानी फोर मिलता है। और आपको चूंकि क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर जो था वो था दोस्तों तीन गुणा ए, यानी कि तीन गुणा चार कर देंगे तो चार तियाँ बारह सेंटीमीटर पैरामीटर आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला दिया गया है, ए वाले में आप टिक करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप तैयार करें दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।